काम किसकी तरफ से हो रहा है सर? कितनी पहले एमटीबी नागराज साहब ग्रांड सा को 3,10,000 रुपये म्यूनसिपालिटी से दाल को दिए हैं। गुलाबजान आपा सदर साहब जब म्यूनसिपल सदरत है बाद में का ये जनाजे की मैट भी उनकी सदारत में छुआ, सो 2,25,00,000 रुपये का ये कास्ट ऑफ एस्टिमेट हुआ। उसके बाद 10,00,000 रुपये 20,00,000 रुपये का काम PWD के तरफ से जिला पंचायत से हुआ, वो भी MTB नागराज साहब के तरफ से छुआ। सो ये 13 फाइनेंस में एक ये माइनॉरिटी स्कीम में एक 13,00,000 रुपये का कॉन्क्रीट हुआ DK नागराज काउंसलर हुए बाद। अभी ये CMC में परसों 12-13 फाइनेंस में सेविंग्स में 2,25,00,000 का काम पूरा MTB नागराज साहब के डायरेक्शन से छोड़ा। ठीक है सर, आपका नाम सर? गुलजार अहमद। शुक्रिया। यही राम मस्जिद के पास पूरा टाउन का कब्रस्तान है। किसके तरफ से हुआ ये? MDG साहब से। और आगे भी काम होने वाला है क्या? काम होने वाला है। ठीक है, आपका पूरा नाम? आपका नाम? मोहम्मद अफजल खान। नाजरीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इम्तियाजुल्ला खान काशफी, ओस्कोटी की रिपोर्ट। ज़हिरिया मस्जिद मुत्तसिल कब्रस्तान ओल्ड मद्रास रोड पर वाकई है। ये कब्रस्तान ओस्कोटे शहर के लिए कदीम कब्रस्तान के तौर पर माना जाता है। इस कब्रस्तान की तरक्की और बहाली के लिए चंद सियासी रहनुमाओं की पहल और हिफाजती इंतज़ामिया के तौर पर इकदाम करते हुए देखा जा रहा है। मस्जिद के सामने वाली जगह को तहफ़ में लेने 1 अक्टूबर 2020 में सीमेंट जल्ली का फर्श बिछाया गया था। इस काम को अंजाम देने के लिए वार्ड नंबर 16 के काउंसलर DK नागराज और वार्ड नंबर 9 के काउंसलर गुलजार अहमद, सामाजिक कारकुन शोहरतुल्लाह खान, जावेद पाशा वगैरह मौजूद रहे। इसकी इत्तला काउंसलर गुलजार अहमद ने सदाए हिंद उर्दू से बात करते हुए बताया। गुलजार अहमद ने बताया कि इस साल 2021 सितंबर 18 को 2,25,000 रुपये की लागत से 40 मीटर सीमेंट रोड डाला गया है। इन्होंने बताया कि यह रकम ओस्कोटे म्यूनसिपल 13-14 सेविंग के तहत मंजूर शुदा रकम से करवाया गया है। गुलजार अहमद ने कहा कि इस काम में भी MTB नागराज की मजीद कोशिश रही है। इन्होंने बताया कि मजीद तरक्की के को मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद की जगह को तहफ़ में लेने हिसार मंदी के लिए 6,00,000 रुपये मंजूर होंगे। गुलजार अहमद ने बताया कि एक बड़ी रकम तकरीबन 15,00,000 रुपये की लागत से काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाजुल्ला खान काशिफी। गुलजार साहब, आप बताइए, ज़हिरिया मस्जिद के पास कब्रस्तान जो है, इस कब्रस्तान के लिए रास्ता मरम्मत का काम चल रहा है, इसके मतलब जानकारी दीजिए, क्या काम हो रहा है, किस तौर पर हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। लास्ट 2 महीने के पहले हमारे CMC ओस्कोटे में एक 15 फाइनेंस की एक मीटिंग थी, उसमें 12 और 13 फाइनेंस के सेविंग्स में ये 2,25,00,000 रुपये का काम हमारे MTB नागराज साहब बुला को हमारे सदर साहब अफजल खान ने बाद में शोहरतुल्लाह खान ने जावेद पाशा और सादिक भाई हमारे अंसर बाद में हमारे शाह साहब और हमारे पूरे मेंबर्स मस्जिद के मेंबर्स डिस्कस करको क्या डालना 2,25,00,000 रुपये में क्या काम होता नहीं का है। बाद में रोड ऑलरेडी एक 13,00,000 रुपीज़ का एक 6 महीने के पहले यहाँ ज़हिरिया मस्जिद के सामने काम कराए थे। DK नागराज यहाँ काउंसलर जीते बाद हमने एक 13,00,000 रुपये का काम ज़हिरिया मस्जिद के सामने दाल को ही। उसके बाद ये एंट्रेंस में मस्जिद का कब्रस्तान का एंट्रेंस में एक छोटा कॉन्क्रीट डाले थे, अब 40 मीटर का एक 2,25,00,000 रुपये में काम होगा है। बाद में 15 फाइनेंस में परसों रिसेंट एक हफ्ते को एक JC सर्कल में एक पूजा हुआ, वो पूजा में भी 6,00,000 रुपये का कंपाउंड का भी काम उसमें पूजा हो को है। इंशाल्लाह एक 8 दिन के अंदर वो भी काम चालू करते हैं। हमें पूरे हमारे एक्स जामे मस्जिद के हमें एक्स मेंबर्स, एक्स सदर साहब हमारे और मैं एक्स सेक्रेटरी, बाद में हमारी टीम शोहरतुल्लाह खान, जावेद पाशा, सादिक पाशा, बाद में अंसर भाई, हमारे पूरी टीम यारब पाशा, बाद में हमारे मेंबर्स जितने भी जामे मस्जिद के मेंबर्स थे उन्होंने सभी कोशिश कर को 6,00,000 रुपये का कंपाउंड का काम करें। इंशाल्लाह अभी एक 15,00,000 रुपये का काम फंड रिजर्व में है। इंशाल्लाह आने के दिनों में वो भी
अच्छा, ये जो अभी तार डाल रही है, ये भी जो सीमेंट रोड डाल रही है, ये कितने मीटर का है? ये 40 मीटर का, 2.25 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ खर्चे पर। 40 मीटर है, 2.25 लाख का काम, 2.25 लाख रुपए के खर्चे से काम कर रहे हैं, 2.25 लाख रुपए के खर्चे से काम। और मस्जिद क्या तरक्की का काम है अभी? अब इंशाल्लाह 6 लाख में कंपाउंड होता है, उसके बाद 15 लाख रुपए अभी रिजर्व हैं, अब फिलवक्त को काम नहीं होता। अभी उसे कास्ट ऑफ एस्टिमेट कराना, बाद में DPR लेना, वर्क ऑर्डर लेना, पूरा अभी ज़रा उसे टाइम लगता है। एक इंशाल्लाह एक 3 महीने में फिर 15 लाख रुपए एक रिजर्व हैं, वो भी इंशाल्लाह 15 लाख रुपए ये कब्रस्तान को 15 लाख रुपए डालने की। 6 लाख रुपए में क्या काम करा रही? 6 लाख जहीरिया मस्जिद के पीछे एक आरजी कंपाउंड बने थे, वो कंपाउंड टूट गया, वो कंपाउंड अभी इंशाल्लाह वो कंपाउंड का काम है। अभी यहाँ जैसी वाल तुम्हें पत्थर में जैसी दीवार बन को ही वैसी ही वाल कंटिन्यू हमारे छोटू भाई के घर से स्टार्ट होकर इंशाल्लाह ये जहीरिया मस्जिद का पूरा पीछे तक कंपाउंड होता है, हाईवे NH 75 रोड तक आता है इंशाल्लाह।